मंथली इंटरेस्ट पेयर स्कीम, एक बार पैसा लगाकर उसके ऊपर आप हर महीने ब्याज की राशि पा सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जी मंथली इनकम प्लान की, क्योंकि जब भी मंथली इनकम प्लान का जिक्र आता है तो सबसे पहला जो नाम है वो हमारे दिमाग में पोस्ट ऑफिस का आता है। लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे ICICI बैंक की, कि अगर आपके पास बल्क में पैसा पड़ा है और आप उस पैसे के ऊपर हर महीने ब्याज की राशि पाना चाहते हैं तो आप किस तरह से ICICI बैंक में मंथली इंटरेस्ट पेआउट स्कीम या हम कह लें मंथली इनकम प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हर महीने ब्याज की राशि पा सकते हैं। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने ICICI बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया है। हमें करना क्या होगा जी, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट्स के टेबल के ऊपर ही चलना होगा। तो देखिए नीचे आने के बाद एक्सप्लोर में से मैं जैसे इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं सीधा ही आपको इंटरेस्ट रेट टेबल के ऊपर लेकर चलता हूं। तो देखिए दोस्तों इंटरेस्ट रेट्स का जो टेबल है वो हमारे सामने आ जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स लेस देन 3 करोड़, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं वो अगस्त 30, 2024, यानी आज से नई ब्याज दरें एप्लीकेबल होंगी जी। तो आप देख सकते हैं टेबल में से मैं थोड़ा और जूम करता हूं। पहले सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है जी, एक ऐसा टाइम पीरियड ढूंढना है मंथली इनकम प्लान के लिए जिसमें आपको एक बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके। तो देखिए जैसे ही मैं नीचे आऊंगा, नीचे आने के बाद आप देखेंगे अगर मैं बात करूं 18 महीनों से लेकर 2 साल के लिए, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी बढ़िया मिल रहा है जी, 7.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन पे 7.75%। अगर मैं 2 साल एक दिन से लेकर 5 साल के लिए बात करूं तो आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 7.00%, सीनियर सिटीजन पे 7.50%। दोस्तों पोस्ट ऑफिस में आपको कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी ही होती है मंथली इनकम प्लान के लिए। लेकिन दोस्तों बैंकिंग फील्ड में ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जितने समय के लिए चाहे वो कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे 2 साल के लिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी बढ़िया मिल रहा है 2 साल के ऊपर। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए 7.25%, सीनियर सिटीजन पे 7.75%। तो अब मैं इन रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि अगर आप 1 लाख रुपए से लेकर 20 से 25 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको हर महीने कितना जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा जी। तो मैं सीधा ही कैलकुलेटर के ऊपर चलता हूं जी। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेटर ओपन किया है। हमने ये कैलकुलेटर डिजाइन किया है जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मंथली इनकम चेक कर सकते हैं। मैं इस कैलकुलेटर का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले आप देखेंगे 1 लाख रुपए अगर हम कैलकुलेट करें 7.25% के हिसाब से टाइम पीरियड 2 साल के लिए। सो जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूं आप देखेंगे जी 604 रुपए की जो मंथली इनकम है वो आपकी हर महीने की निकल के आ गई 2 सालों के लिए, यानी के 2 साल हर महीने 604 रुपए आपको आपके अकाउंट में मिलते रहेंगे। सो उसी तरह से 7.75% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं 2 साल के लिए तो आप देखेंगे 645 रुपए जो हैं वो आपको हर महीने आपके अकाउंट में मिलते रहेंगे जी। सो आगे हम बात करेंगे अगर आप बल्क में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं ICICI बैंक में और मंथली इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो आप देखेंगे 7.25% के हिसाब से सबसे पहले जर्नल पे 2 साल के लिए तो आपको जो मंथली इनकम मिलेगी वो कितनी हो जाएगी 3020 रुपए, और उसी तरह से 7.75% के हिसाब से आप देखेंगे जी 3229 रुपए जो हैं वो आपको हर महीने ब्याज के रूप में मिल जाएंगे।
सो आगे बढ़ते हुए हम कैलकुलेट करते हैं, अगर आप 9 लाख रुपए लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों हम पोस्ट ऑफिस से भी कंपेयर करेंगे, पोस्ट ऑफिस में सिंगल अकाउंट में जो मैक्सिमम लिमिट है वो 9 लाख रुपए है और कम से कम आपको 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी ही होती है, लेकिन बैंकिंग फील्ड में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर मैं 2 सालों के लिए कैलकुलेट करूं जर्नल पे, तो आप देखेंगे 5,437 रुपए जो हैं वो आपको हर महीने मिलते रहेंगे। और अगर मैं बात करूं 7.75% यानी सीनियर सिटीजंस के बिहाफ पर, तो आप देखेंगे 5,812 रुपए जो हैं वो आपको मंथली इनकम के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे बात करेंगे जी 15 लाख रुपए की। पोस्ट ऑफिस में दोस्तों मैक्सिमम लिमिट जो है वो 15 लाख रुपए है, तो अगर आप ICICI बैंक में 15 लाख रुपए लगा देते हैं सबसे पहले 7.25% के हिसाब से 2 सालों के लिए, तो आप देखेंगे आपकी जो मंथली इनकम है वो कितनी निकल के आ गई जी, 9,062 रुपए। और उसी तरह से अगर मैं बात करूँ सीनियर सिटीजन्स की 7.75% के हिसाब से, तो आप देखेंगे जैसे ही मैं कैलकुलेट करूंगा आपकी जो राशि है वो 9,687 रुपए बन के आ गई। दोस्तों अब शुरू होता है बैंकिंग फील्ड का असली कमाल, क्योंकि आपकी जो लिमिट है वो है जी 9 मैक्सिमम लिमिट, आप जितना चाहे पैसा जमा करवा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, अगर आप बल्क में पैसा लगा देते हैं 25 लाख रुपए, लेकिन कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं हमने ये कैलकुलेटर डिजाइन किया है, मैं इस कैलकुलेटर का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए सबसे पहले 25 लाख अगर हम कैलकुलेट करते हैं 7.25% के हिसाब से 2 सालों के लिए, तो आपको 15,104 रुपए हर महीने मिलते रहेंगे। और 7.75% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो देखिए 25 लाख के ऊपर 2 सालों के लिए 16,145 रुपए आपको हर महीने मिलेंगे जी। सो लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे 35 लाख के लिए। देखिए दोस्तों लास्ट में हमने 35 लाख रुपए फिल किए हैं, अगर आप बल्क में पैसा लगा देते हैं तो सबसे पहले 7.25% यानी जर्नल के बिहाफ पर 2 सालों के लिए आपको हर महीने 21,145 रुपए मिलेंगे। सीनियर सिटीजन्स की अगर हम बात करें 7.75% के हिसाब से, तो आप देखेंगे 22,604 रुपए की जो राशि है वो आपको हर महीने आपके अकाउंट में मिलती रहेगी 2 सालों के लिए, अगर आप ICICI बैंक में मंथली इनकम प्लान या मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश डेफिनेटली करूंगा। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।